वेलकम टू एजुबिन। आज हम कर रहे हैं क्लास सिक्स मैथ का फ्रैक्शन है चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम सिक्स। तो क्वेश्चन है हमारा, आर्या अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। ठीक है, तीनों ने लंच शेयर किया। ठीक है, एक दूसरे शेयर किया। ठीक है, आर्या हैज ब्रॉट टू सैंडविचेस। आर्या कितने सैंडविच लाया? टू सैंडविच लाया। वन मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड वन ऑफ जैम, जिसमें से एक वेजिटेबल का था दूसरा जैम का था। द अदर टू बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। लेकिन जो दो बॉय थे, आर्य तो लाया था लेकिन अभिमन्यु और विवेक दोनों भूल गए थे लंच लाना। आर्य एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। देखो, आर्य एग्री टू शेयर हिज सैंडविच, आर्य जो है एग्री हो गया अपने सैंडविच को तीनों में बांटने के लिए। ठीक है, ईच पर्सन यानी तीन पर्सन थे, तीन पर्सन थे ना, तो तीनों में इक्वल शेयर जो है बांटने के लिए आर्य एग्री हो गया। तो पहला पार्ट बोल रहा है, इतना तो हमारा टॉपिक था इतना। अब हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन, अब आंसर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। तो बोला है कि आर्या कैसे उस सैंडविच को डिवाइड करेगा कि तीनों को इक्वल शेयर मिले। ठीक है, सेकंड पार्ट है बी पार्ट, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। बोला हर बॉय को कितना सैंडविच रिसीव होगा। तो पहला पार्ट करते हैं हम कि हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। ठीक, तो देखो मैंने बना लिया इस टाइप का। तो एक है वेज सैंडविच, ये है जैम सैंडविच, और आर्या अभिमन्यु और विवेक इन तीनों में हमें शेयर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब क्या करेंगे हम, आर्या क्या करेगा, आर्या हर सैंडविच से क्या करेगा, ठीक, हर सैंडविच से इसके तीन पार्ट कर लेगा, यानी एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ठीक है, ये वन पार्ट, ये टू पार्ट, ये थ्री पार्ट। ठीक है, तीन पार्ट कर लिया उसने। नेक्स्ट जो जैम सैंडविच है उसमें भी थ्री पार्ट करेगा, वन टू एंड थ्री, दैट इज वन, दैट इज टू एंड दैट इज थ्री। ठीक है, तीन तीन पार्ट कर ली। अब क्या करेगा वो, इस सैंडविच को का एक पार्ट आर्या को देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट आर्या का बचाएगा। तो ये वेज है तो यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा वेज सैंडविच का एक पीस। ठीक, तो यहाँ से फिर एक पीस बचा, दो पीस बचे, यहाँ से फिर एक पीस चले जाएगा वेज वाला किसके पास, अभिमन्यु के पास। और जो लास्ट पीस बचा है ये जाएगा विवेक के पास। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट फिर ऐसी जैम का करेगा वो, जैम का पहला पीस वो देगा आर्या, खुद लेगा वो, तो ये हो जाएगा जैम वाला। ठीक है, मैंने जे और वी से कर दिया ताकि वी फॉर वेजिटेबल एंड जे फॉर जैम। फिर उसका दूसरा पार्ट देगा वो अभिमन्यु को, ठीक है, जैम वाला। फिर जो थर्ड पार्ट है वो देगा वो विवेक को, जैम वाला। तो इस तरह से क्या हो गया, उसको तीनों को जो है दोनों सैंडविच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लिखना है, इसको लिखना कैसे है देखो, उसमें क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे एक आंसर, ये चल रहा है वैसे, ये चल रहा है, इसमें सेंटेंस में लिखेंगे आर्या, आर्या विल डिवाइड, डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, ईच सैंडविच, सैंडविच इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स। ठीक है, क्या करेगा वो, ईच मतलब तीनों में जो है इक्वल पार्ट डिवाइड करेगा। ठीक है, एंड गिव, एंड गिव वन पार्ट, ठीक है, वन पार्ट, वन पार्ट ऑफ, वन पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो क्या बोले, क्या लिखा है इसमें, ये आंसर लिखा हमने कि आर्य क्या करेगा, हर सैंडविच में से तीन इक्वल पार्ट करेगा और एक एक पार्ट तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या डिवाइड कर देगा। फिर क्या करेगा वो, हर पार्ट उसको दे देगा। ठीक है, हो गया, यानी पहले तीन पार्ट करेगा और दोनों के, फिर तीनों एक एक पार्ट इनको दे देगा। ये था इसका ए पार्ट। अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट क्या बोल रहा है वो, बी पार्ट बोल रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। बोला हर बॉय को कितना सैंडविच रिसीव होगा। तो अब फ्रैक्शन की बात आ गई है। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने पार्ट है टोटल, टोटल पार्ट थ्री है, थ्री पार्ट है, तो ये पार्ट जाएगा, यानी एक पार्ट गया तो कितना होगा ऊपर, वन। सेम ईयर टोटल पार्ट थ्री है, यहाँ से भी एक पीस जाएगा तो वन, यानी यहाँ भी वन अपॉइंट थ्री, सेम कंडीशन यहाँ होगी, वन अपॉइंट थ्री, वन अपॉइंट थ्री, वन अपॉइंट थ्री। ठीक है, तो क्या जाएगा हर, अब इसको कितना मिलेगा, टोटल कितना था थ्री, इसको कितना मिला यहाँ से वेज वाले से वन,
यानी 1/3, ठीक है। सेम इसको कितना मिला वेज वाले से, 1/3, और विवेक को कितना मिला यहाँ से, 1/3। सेम केस रहेगा जैम वाले से, तो कितना मिलेगा इसको, इसको मिलेगा 1/3, 1/3, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6।